चलिए गाइस, तो फाइनली मैं दिखाता हूँ कि आज आपको कहाँ पहुँच गया हूँ मैं गाइस। और गाइस, ये मेरे व्लॉग में 3 या 4 बार हो चुका है कि मैं जब भी व्लॉग के स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो ऐसे ही कर रहा हूँ। सो गाइस, टाइम हो रहा है 7:21, 7:21। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हम सभी लोग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, 7:21 नहीं होता, 7:14 होता है, 7 या 21 होता है, पता नहीं मेरी गणित कितनी खतरनाक है कि मैं 7:21 बोल रहा हूँ। सो गाइस, जैसे कि कल के व्लॉग में आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि आज संडे है, लेकिन आज रेस्ट नहीं है, आज काम करना है। तो फिलहाल गाइस, आज मेरा प्लान बन रहा है नैनीताल जाने का। चलते हैं, अपने गोप्रो को सेट करते हैं अपने हेलमेट में और चलते हैं नैनीताल। और एक दो जगह वहाँ घूमने लायक जो मैं काफी सालों से वहाँ घूमना चाह रहा था लेकिन नहीं जा पाया था, तो आज मेरा प्लान बन रहा है वहां जाने का, तो वहां घूम के आते हैं। चलिए गाइस, फाइनली मैं तैयार हूँ गाइस, नहा धो के एकदम बढ़िया तरीके से, क्रीम पाउडर भी लगा लिया है, बाल वाल भी सेट कर लिया। और गाइस, ये जैकेट जो है ये भी मैंने दिल्ली से लिया था, लेकिन मेरे को आज मौका मिला पहनने का इसको, तो आज मैंने पहन लिया। और उम्मीद करूंगा कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और सच में गाइस, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है गाइस। और गाइस ना, मैंने एक चीज नोटिस करी आज कि सर्दियों में ना एक दिक्कत तो है कि अगर आप पहाड़ों के साइड निकल रहे हैं तो कपड़े बहुत पहनने पड़ते हैं आपको। मतलब जैसे कि मैंने जीन्स पहनी है, उसके अंदर स्लैक्स पहना है, इनर पहना है, टी शर्ट पहनी, फिर ही जैकेट पहना हुआ है, अभी मफलर भी मेरे पास में, ग्लव्स भी मेरे पास में। तो मेरे को लगता है कि यार सर्दी में और कोई दिक्कत लगे ना लगे, ये दिक्कत बहुत रहती है। उसके बाद जीन्स पहनने के बाद जो उसका बटन है ना गाइस, उसको लगाना तो मतलब महाभारत समझ लो आप। अगर आप मोटे हैं तो थोड़ा सा मेरा पेट निकल रहा था, इसमें मुझे दिक्कत आ रही है, पहले दिक्कत नहीं आती थी मुझे, तो अभी मुझे लगा ऐसा कि हाँ यार थोड़ा पेट निकल रहा, तो बटन बहुत मुश्किल से लगा उसका। तो कई बार जो मोटे लोग हैं, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं मोटे लोग, उनको भी लगता होगा कि हाँ यार ये तो सही बोल रहा है अभिषेक। चलिए गाइस, 8 बज गए, तो जाते हैं पूजा पाठ वगैरह करते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर निकलते हैं आज नैनीताल। चलिए चलिए गाइस, हो गई पूजा पाठ समाप्त। लेकिन गाइस, आज गड़बड़ हो गई, हनी तो आ गई, चाचू नहीं आया आज, पता नहीं क्यों है नहीं आज। चाचू का पूछ लाके बोल रही, मुझे नहीं पता। बाय बाय, प्रणाम, फिर से आपकी चप्पलें आ गई, चप्पल पहनी तो चप्पल तो आएगी। चरण पादुका है, क्या चीज टिफिन, कितने की कीमत स्टार्ट हो जाएगी? 3। हाँ, पहले में हो गई। बाय बाय हनी, बाय बाय मुझे, बाय बाय। चलिए जी, लेट्स गो टू द ऑफिस। चलिए गाइस, पहुंच गए पेट्रोल पंप, फटाफट से पेट्रोल डलाते हैं। चलिए गाइस, तो फाइनली पेट्रोल डला लिया, अब चलते हैं फटाफट से नैनीताल और दिखाते हैं आपको सुंदर सुंदर व्यू। Living life every day, late at night, not okay, all I want and I pray, all I need are some better days. चलिए गाइस, तो फाइनली कोर्ट, और यहां से जो नैनीताल है वो रहता है सामने लिखा हुआ, देखिए गाइस, मात्र 18 किलोमीटर। Like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? Finally, ये ले लिया मैंने final entry नैनीताल के अंदर। Gate से entry ले लिया मैंने। और guys, ये देखिए यहाँ पे पुराने पुराने वो मकान आप देख रहे हो ना, ये सब अंग्रेजों के टाइम के बनाए हुए मकान है ये। इनमें समझ में कि वो नए नए मकान है, इनके अपने हाथों से बनाए हुए नहीं। मैक्सिमम जो नैनीताल का जो विकास हुआ है वो अंग्रेजों के टाइम पे हुआ है। चले गए, सिर्फ पहुंच गए यहाँ पे, तो फटाफट से अपने काम निपटाते हैं, फिर करते हैं आपसे बातचीत। चले गए, सो चलते हैं यहाँ से। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे केव गार्डन, जो काफी फेमस गार्डन है यहाँ का। और मैंने जैसे कि बताया था मॉर्निंग में कि बहुत साल पहले मैं कभी गया था वहाँ पे, अब तो एग्जैक्टली याद भी नहीं कि वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा उसको। लेकिन भाई, उससे पहले चलते हैं बाहर, पीते हैं बढ़िया वाली चाय। चले गए, तो फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ से। गाइस, जितना भी व्यू होता है ना गाइस, ये देखने लायक होता है कि लेक दिखाई देती पूरी यहाँ से, और ये माल रोड हमारी स्टार्ट हो गई है। बढ़िया नज़ारा यहाँ का, लेकिन लगता हुआ जाम, थोड़ा सा साइड से निकलना पड़ेगा। टू व्हीलर्स वालों के लिए फ़ायदा है, थोड़ा सा जगह मिलती तो हम ऐसे साइड से निकल जाते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करते। हाँ जी भाई साहब, निकलो निकलो, ये शाबाश। चले गए यहीं पर साइड में, लगाते हैं अपनी स्कूटी को और सामने चलते हैं बोरा जी के पास में। अभी हेलमेट निकालने के बाद पहचानोगे, तो पहचान लिया, अरे वाह। तो चलिए गाइस, बोरा जी के वहाँ से पी लिए बढ़िया वाली चाय, अब चलते हैं यहाँ से वापस। बच्चों का चल रहा है क्रिकेट। मुझे एड्रेस मिल गया है केव गार्डन का, सूखा ताल में बताया
बोरा जी ने। ये जगह सेफ रहेगी इसके लिए। चलिए गाइस, तो फाइनली मैं दिखाता हूँ कि आज आपको कहाँ पहुँच गया हूँ मैं गाइस। और गाइस, ये मेरे व्लॉग में 3 या 4 बार हो चुका है कि मैं जब भी व्लॉग के स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो ऐसे ही कर रहा हूँ। चलिए गाइस, स्कूटी को पार्क में लगाने के बाद, हेलमेट तो मेरी स्कूटी में आया नहीं, तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल केव गार्डन, तो सामने में ही है। तो गाइस, ये है इसका टिकट घर, एडल्ट का 100 और चाइल्ड का 60। लेकिन गाइस, ये गड़बड़ हो गई, मेरे पास कैश नहीं है और ना ही गूगल पे ले रहे हैं ना कार्ड। अब क्या होगा, कुछ इंतजाम करके देखते हैं। अच्छा, चलिए तो भैया को पेटीएम कर देते हैं, इनसे कैश ले लेंगे। चलिए जी, हो गया गूगल पे। चलिए गाइस, हो गया पैसों का जुगाड़ तो भाई सर। चलिए गाइस, फाइनली पहुंच गया हूँ उसके अंदर, मिल गया मुझे मेरा टिकट। और ये है इको केव पार्क, सूखा था नैनीताल के बारे में लिखा हुआ है, और पढ़ लीजिएगा आराम से पॉज करके। फिलहाल चलते हैं ऊपर और देखते हैं यहाँ के नज़ारे। वेलकम टू केव। टिकट कौन सा करेगा आप? वे टू केव, गाइड मैप भी दिया यहाँ पे। सो गाइस, ये है केव का रास्ता, यहाँ से शुरू करते हैं बैग्स केव में। ओहो गजब। खतरनाक एक्सपीरियंस। हाँ, ये तो बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं यहाँ पर, तो देखिए कहाँ कहाँ से निकलना पड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल सर, एजी डोई ब्लॉग्स जी। ओह, आप कहाँ से सर? हम एमपी से हैं सर। ओह ग्रेट सर, एमपी। हाँ जी, आप? मैं तो उत्तराखंड से हूँ सर। उत्तराखंड से? आप पहली बार आए? नहीं, बचपन में आया था कभी। अच्छा, अब तो याद भी नहीं रहा। कभी पेरेंट्स लेकर के आते थे, अभी हम व्लॉगर बन के आए। सर मैंने सुना वहाँ के गोलगप्पे बड़े फेमस है, एमपी के ना? है ना? हाँ, नहीं वैसा नहीं मिलता गोलगप्पा। चलिए लाइटिंग करते थोड़ी सी। ओके, अरे बाप रे भाई, बहुत छोटा छोटा रास्ता है यहाँ का। ओह, बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ रहा है। आज ही नए नए कपड़े पहने थे यार, आज ही खराब हो जाएंगे क्या? अरे मेरा हेलमेट, मेरा नया नया हेलमेट। चलिए अब थोड़ा रास्ता साफ सा है। ओके चलिए गाइस, निकल आए। लेकिन गाइस, खतरनाक गुफाएं। तो ओके, सो यहाँ से तो एग्जिट है, लेकिन हमको जाना है इस तरफ। गाइस, इतने में हमारी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना बहुत छोटी छोटी मतलब ना गुफाएं बनाई हुई हैं, मतलब पहले से बनी हुई नेचुरल है। ओहो, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो लाइट्स है। हाँ, ये तो बंद है यहाँ से, तो हाँ चलिए। हाँ बिल्कुल, आप मेरे व्लॉग देखिएगा, आप भी आएंगे, हम भी आएंगे। बाकी मैं आप लोगों को कवर कर रहा हूँ पीछे से, आप निश्चित ही कि जय बजरंगबली। टास्क से कम नहीं है? हाँ ऑब्वियसली। पकड़ूँ क्या कैमरा आपका? बस वहाँ गया सर, थैंक यू। शायद नीचे भी केव है, नहीं नहीं केव नहीं है। चलिए गाइस बाहर आ गए। सो मेरे साथ में मैम और सर हैं, दे आर फ्रॉम एमपी, जहाँ के गोलगप्पे बड़े फेमस है। सो आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस है नैनीताल? फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो आप कहाँ का गए इसके अलावा अभी? और अभी हम बस तालाब गए, तली तल बस बोटिंग के लिए। चाइना पीक नहीं गए अभी तक आप? अभी नहीं गए, नेक्स्ट चाइना पीक ट्राई करिए सर। थोड़ा पीक हिमालय पॉइंट और चाइना पीक अलग है, अलग अलग है सर। सो व्यूअर्स, दिस गाय इज स्ट्रगलिंग अ लॉट फॉर यू, ही इज कैप्चरिंग अ लॉट, सो प्लीज डू सब्सक्राइब हिज चैनल।
टेक केयर बाय थैंक यू वेरी मच मैम ने बोल दिया अब तो आपको सब्सक्राइब कर लो यार ओके सो यहाँ पर साइकिलिंग भी है नाइस चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है सो यहाँ से दिख गया मुझे एग्जिट इतना छोटा सा तो नहीं होगा यार ये सिर्फ थोड़ा यहाँ बैठ के अपनी फ़ोटो लेता हूँ अकेले बंदे का यही है फ़ोन रख दिया कैमरा रख दिया GoPro रख दिया और खींचो फोटो फिर अकेले अकेले में यही होता है सो गाइस काफ़ी देर से बैठा हूँ यहाँ पर और बहुत प्यारा प्यारा व्यू है यहाँ का आप लोगों ने देख ही लिया देखिए सामने देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ से मस्त सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और अभी जस्ट कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर बने यहाँ पे अभी तो एक मैम मिली मुझे यहाँ पर जो MP से थी कुछ लोग मिले जो दिल्ली से थे उन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब किया तो होप सो उनको भी पसंद आएगा मेरा ये व्लॉग चलिए तो गाइस अभी यहाँ पर केव और भी रहती है अभी तो मैंने सिर्फ एक दो केव भी कवर किए हैं तो बाकी केव भी कवर करते हैं फटाफट से फिर निकलते हैं हल्द्वानी चलिए इन्वेंट्री करते मैं कहाँ का गया टाइगर केव पैंथर केव हो गई पॉर्क्यूपाइन केव क्या होती है ये पॉर्क्यूपाइन बैट्स केव हो गया फ्लाइंग फॉक्स केव हो गया एप्स केव हो गया ये ऊपर ही रहेगी बस ये वाली इसको ढूंढते ये कहाँ पर है सब जगह देखते हैं आज क्या है ऐसा केव गार्डन में 100 रुपये दिए भाई जितना खर्चा किया वसूलना भी तो है चलिए गाइस फाइनली जितनी भी केव थी सारे निपटा दी एक गिलास बची थी इसको भी कर लिया मैंने और कुछ नहीं बचा यहाँ पर अब सब खत्म हो गया है यहाँ पर देखने लायक बस यही है सो आइए बहुत एंजॉय मिलेगा अगर आपको मज़ा आता है ट्रैकिंग करने में ऐसी गलियों में घुसने में पहाड़ों में देखने में तो आइए बहुत सुंदर जगह है थोड़ा एक्सप्लोर करिए नए नए कपड़े पहनते आ रही है आज ही पता नहीं कहाँ का घुसा दी मैंने इनको कपड़े भी सोच रहे होंगे यार कि कैसा बंदा यार ये है ना चलिए गए चलते फटाफट यहाँ वहाँ से बाहर अब चलते सीधे हल्द्वानी के अब यहाँ देखने लगा कुछ और है नहीं चलिए गए सो लेते हैं यहाँ से विदाई सो बहुत मज़ा आया नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस मतलब बहुत साल पहले कभी आया था मैं थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे पूरा नहीं तो करते हैं यहाँ से एग्जिट बाहर मिलते हैं आपसे सो गाइस मैं जा रहा था नीचे को तो मुझे सामने कुछ दिखाई दिया बैठने का तो मेरे को लग रहा कि यहीं बैठ के मुझे लंच करना चाहिए चलिए गाइस चलते ऊपर चले गाइस सो गाइस यहाँ बैठ के लंच करने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है सामने से बहुत सुंदर सुंदर सी धूप आ रही है और फिलहाल मैं थोड़ा सा ठंड में कपकपा रहा हूँ क्योंकि मैं जब अंदर था ना केव गार्डन के तो उस वक्त तो गाइस वहाँ पर ना मुझे पता ही नहीं चला पसीना आ गया मुझे अब गाड़ी में जब निकल रहा हूँ तो ठंडा लग रहा है तो फटाफट गाइस लंच स्टार्ट करते हैं अपना ठीक है चलिए गाइस सो फाइनली मेरा लंच हो गया पूरा लेकिन गाइस एक चीज़ रह गई है वो है मम्मी जी के हाथ का ये रायता खीरे का रायता और गाइस सच बता रहा हूँ यहाँ बैठ के जो लंच करने का एक्सपीरियंस है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको सच में गाइस बहुत मज़ा आया पूरा लंच खत्म हो गया रोटी लाया था मैं पिनाऊ साग और खीरे का रायता आय हाय मज़ा आ गया गाइस तो फटाफट इसको भी ख़त्म करते हैं फिर निकलते हैं हल्द्वानी वाह वाह चलिए गाइस निकालते अपने धन्नो और चलते सीधे हल्द्वानी चले गए तो फाइनली पहुंच गया हूँ घर की कॉलोनी में अब चलते हैं फटाफट से घर और फिर करते हैं व्लॉग को एंड हेलो हेलो हनी तेरे पति का बच्चा या अब्बाज आंटी नमस्ते आंटी नमस्ते कस बैठ रहा आंटी बिल्कुल बजा पसर बेर हो जा हाय आराम का मामला है आराम का मामला है बिल्कुल चलिए गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ घर ठीक ठाक और बढ़िया तरीके से और गाइस आज का दिन बहुत मस्त था बहुत बिंदास था क्योंकि गाइस आज जो मैंने एक्सपीरियंस लिया वो मैंने बहुत सालों पहले लिया था तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पुरानी मेरी यादें थी वो सारी की सारी बिल्कुल ताज़ा हो गई हैं और गाइस मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने आज मुझे सब्सक्राइब किया स्पेशली जो मुझे मैम और सर मिले थे MP से और कुछ लोग मिले थे मुझे दिल्ली से जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो गाइस मैं उम्मीद करूँगा कि जो आज मेरा व्लॉग था नैनीताल व्लॉग जो केव गार्डन मैंने बनाया था तो आप सभी लोगों को पसंद आएगा तो इस व्लॉग को आप लाइक कर लीजिएगा
शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं आपसे एक और एक नए बेहतरीन ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।